हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BHIC 132 इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर जून 2022 का सोल क्वेश्चन पेपर वीडियो। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जरूरी पॉइंट्स को समझ लेते हैं जो आपके लिए काफी जरूरी हैं। मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया तो आपके कम से कम 90% मार्क्स कहीं नहीं गए। सो वीडियो को ध्यान से सुनना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक बात जो मैं इस वीडियो में कहने वाला हूँ वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो ये इस सेशन की वीडियो है, इसका मेन रोल जो है वो आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके उसके जो राइट आंसर है वो आपको प्रोवाइड करवाना है, एंड उसी के साथ कुछ ऐसे पॉइंट जैसे कि टिप्स एंड ट्रिक्स को भी डिस्कस करना है, जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं भी आता तो आप आराम से 80-90% मार्क्स इजीली अचीव कर लोगे अपने एग्जाम्स में। सो लेट्स फॉरवर्ड और बात करते हैं उन गलतियों की जो आपको नहीं करनी है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सो पॉइंट नंबर 1, मैंने काफी बार नोटिस किया है काफी सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इस क्वेश्चन पे कितनी शीट भरनी चाहिए। इसी दौरान कई स्टूडेंट जरूर से ज्यादा लिखकर आ जाते हैं और कई स्टूडेंट लिख तो आते हैं लेकिन उनका लिखने का फॉर्मेट ही गलत होता है। तो सवाल ये उठता है कि कितने वर्ड्स या कितने पेजेस में हमें अपने आंसर्स को कंप्लीट करना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम 20 मार्क्स, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के होते हैं। कुछ रियर केसेस होते हैं जिनके मार्क्स डिफरेंट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इन्हीं मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसी के साथ हमारी जो इग्नू की शीट होती है, इसके एक पेज में मैक्सिमम 120 से 150 वर्ड्स आते हैं। तो इस हिसाब से हम 20 मार्क्स वाली कैटेगरी की बात करें तो हमें आगे पीछे की मिलाकर 5-6 पेजेस में अपने आंसर्स को लिख देना चाहिए, और कई सिनेरियो में तो आपको वर्ड्स लिमिट भी मिलती है। तो उस हिसाब से भी आप 140 वर्ड्स पर पेज भी पकड़े तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। एंड यही सेम फॉर्मूला 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाली कैटेगरी में भी अप्लाई होता है। यानी कि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 3-4 शीट आगे पीछे की मिलाकर और 5 मार्क्स वाले में 1 शीट या मैक्सिमम 2 शीट लिखनी है। एंड गाइस, आपको एक और सजेशन है, प्लीज जितना हो सके अपनी हैंड राइटिंग को साफ रखना, क्योंकि इसका भी काफी इंपैक्ट आपके मार्क्स पर पड़ता है। मैं जानता हूं आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन उसका भी सिर्फ एक ही सलूशन है, प्रैक्टिस। एटलीस्ट आप लोगों को वीक में एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप अपनी स्पीड एंड हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एंड डोंट वरी, सिर्फ 3 पॉइंट ही हैं, तो जल्दी से सेकंड पॉइंट को भी देख लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, गाइज मैंने नोटिस किया है काफी सारे स्टूडेंट अपने एग्जाम टाइम को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते और आपको लगता है कि टाइम ही बहुत कम मिलता है, लेकिन सच बात यह है दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट के लिए ये टाइम इनफ होता है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे हम अपने टाइम को सही से यूज करें और हमें एक क्वेश्चन पर कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एंड उसके बाद उन क्वेश्चन को मार्क करें जो आपको आते हैं, उन पर टिक लगा दीजिए, एंड जो नहीं आता उस पर रॉन्ग मार्क कर दीजिए। आपको सिर्फ इसमें मैक्सिमम 10 मिनट्स ही लेने हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आपको लिख लेना है, एंड जो आपके बड़े क्वेश्चन है उन्हें मैक्सिमम 25-30 मिनट्स देने हैं, और आपके मीडियम वालों को 15-20 मिनट्स देने हैं, एंड छोटे वालों को 10-15 मिनट। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता उसे आपने लास्ट में लिखना है। रिमेंबर गाइस, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर हमें आता नहीं तो हम लिखेंगे कैसे? इसका सिंपल आंसर यही है कि आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर के फॉर्मेट को समझना होगा। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया, वो जो उसके आंसर के लिखने का जो फॉर्मेट होगा ना, वो उसे लिख कर आ जाएगा लेकिन छोड़कर नहीं आएगा। उससे होता क्या है कि टीचर पूरा आंसर कभी नहीं पढ़ते हैं और कभी कभार आपके फॉर्मेट को देखकर ही आपको पूरे मार्क्स दे देते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये फॉर्मेट होता क्या है। सो डोंट वरी गाइस, हम जो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये फॉर्मेट को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं, एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी फॉर्मेट के ऊपर ही है। और मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने ये आपको अब तक समझाया है ये आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो पॉइंट नंबर 3 एंड इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, गाइस ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और आपको फॉर्मेट की पूरी नॉलेज है तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो लेट्स नो व्हाट इज अ फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका आंसर लिखने का जो स्टाइल होता है वो काफी यूनिक एंड अट्रैक्टिव होता है, एंड जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका आंसर लिखने का स्टाइल काफी अलग होता है। बेसिकली इसे ही हम फॉर्मेट कहते हैं। जितना आप अट्रैक्टिव एंड यूनिक एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर को, उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने के हाई चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि कैसे आप उस सही फॉर्मेट का पता लगाएं। तो डोंट वरी गाइस, इसका सलूशन ये वीडियो ही है, एंड हम जो ये सेशन कर रहे हैं इग्नू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का, इसमें हम उसी फॉर्मेट में आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के फॉर्मेट में हमें आंसर लिखना चाहिए अपने एग्जाम्स में। उसके अलावा आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आपको फॉर्मेट के रिगार्डिंग काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आपको जो ये मैंने अब तक समझाया है ये आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सो गाइस, यहां से आपका प्रीवियस ईयर जून 2022
2022 के क्वेश्चन पेपर के सोलो आंसर वीडियो स्टार्ट होती है। एंड गाइज, इसी के साथ अगर आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में खरीदना चाहते हो तो हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। एंड पीडीएफ की कीमत मात्र 10 रुपए है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहां पर जाकर अपने सब्जेक्ट कोड सेंड कर देना, मेरी टीम विद इन अ फ्यू मिनट्स में आपको प्रोवाइड करवा देगी। और गाइज, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इसी के साथ अगर आपको किसी प्रकार का भी चैलेंज आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। एंड गाइज, मैंने इस पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व किए हैं बिकॉज आपको ऑप्शन मिल सके, तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों सोल्व किए हुए हैं। एंड गाइज, अगर आपको अपने और सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो बनानी है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मुझे टेक्स्ट कर देना। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इग्नू के सारे सब्जेक्ट की वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। एंड गाइज, एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने इसकी सोल्व असाइनमेंट 2022-23 की वीडियो भी बना रखी है, तो एक बार एग्जाम के टाइम चैनल पर जाकर आप उसे भी विजिट कर लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मैक्सिमम पेपर इन्हीं दोनों चीजों में से ही बनकर आता है। एंड उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूंगा, तो आप एक बार जाकर विजिट कर लेना। एंड गाइज, मैं आपको एक बार और याद दिला रहा हूँ, अगर किसी को इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्व पीडीएफ चाहिए तो आप 10 रुपए में खरीद सकते हो। बस हमें व्हाट्सएप पर सब्जेक्ट कोड एंड लैंग्वेज के साथ टेक्स्ट कर देना, बाकी मेरी टीम देख लेगी। एंड नाउ गाइज, अब मैं आपको वीडियो के एंड में मिलता हूँ।
एंड गाइज यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर अच्छी लगी तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं आपको याद दिलाता चलूं, इसको देखने के बाद इसकी सोल्व असाइनमेंट को भी एक बार देख लेना, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। एंड इसी के नोट के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।